किसी को सीखना है आगे बढ़ना तो आपसे सीखे आकर, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो, हमारे बुजुर्ग हो, हमने किसी को कभी खाली बैठे नहीं देखा आपके यहां। कोई ना कोई काम करते रहते हैं आप, मेहनत से नहीं हटते पीछे, और मेहनत करके आप उस परिश्रम से कहीं ना कहीं एक मंजिल पाते हैं। मैंने आपको मंजिल पाने की जो आपके अंदर क्षमता है वो तो गुरु नानक की प्रेरणा है, ये तो मैं मानूंगा, क्योंकि ऐसी प्रेरणा मैं खुद इस बात को बहुत अच्छी तरह से देखता हूं, समझता हूं। और गुरु नानक ने एक काम बड़ा अच्छा किया था, उनका एक काम और भी है कि उन्होंने एकता के लिए जो काम किया था, जिसको लेकर हमारे देश में हम लोग सब एकता के लिए हर जगह यूनिटी के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। अभी आपने देखा कि बड़ी स्टेचू बनाई गई पटेल साहब की, वो भी उसका भी यूनिटी नाम रखा गया, वो यूनिटी के लिए समर्पित कर दी गई। तो गुरु नानक जी ने उनके दो जो शिष्य थे उसमें एक मुस्लिम था, एक हिंदू समाज से था, तो ये दो परंपरा आपकी पहले से है, और हमारा रिश्ता तो आपसे बहुत पहले का, हम तो आपसे अलग हो ही नहीं सकते, इसीलिए शायद सरकार के जो नियम बने हम अल्पसंख्यक में डाले गए, लेकिन हम आपकी तरह के अल्पसंख्यक बनना चाहते हैं, जैसे हमारे आप लोग हैं ना, हम आपकी तरह का अल्पसंख्यक बनना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी के काम आ रहे हैं, आप देश के काम आ रहे हैं, निर्माण के काम आ रहे हैं, विकास के काम, समाज के काम आ रहे हैं।